हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि मेरे YouTube चैनल पे डेली आए दिन मैं हर रोज़ एक नई वीडियो एक नए स्टूडेंट के साथ मैं अपलोड करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मैं किस लिए बनाता हूं? आप सभी के लिए दोस्तों, ताकि आप सब इस वीडियो को देख करके और कॉपी ना करें। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वीडियो को देख करके वो अपने घर में पर्सनल कार से अपने घर में छोटे भाई बहन को या फिर अपने फ्रेंड को कार सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, इस चीज़ों में कॉपी नहीं करें, कॉपी वही लोग करें जिनको कॉन्फिडेंस हो और चीज़ें सिखा पाए। दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में दुर्घटना घट भी सकती है और नहीं भी घट सकती है। दोस्तों, अभी क्या है कि मेरे साथ में एक स्टूडेंट है जो कि मैडम है, अभी आ रही हैं, मैं उनके घर पर वेट कर रहा हूँ, वो आ रही हैं। दोस्तों, आज हम एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा, अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करूँगा, जिसमें कि मेरे साथ में स्टूडेंट होंगी जो कि मैम है। और आज मैं वीडियो बनाऊंगा कि हमें अगर बारिश टाइम, जैसे कि अगर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है तो बारिश टाइम में हमें कार को चलाते वक्त किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बारिश अगर हो रही है, हमारे ग्लास पे पानी आ रही है या हमारे ग्लास के कार के अंदर ग्लास पे फॉग जम रहा है, तो हमें कैसे उन सारी चीज़ों को दूर करना चाहिए। बारिश टाइम में हमें वाइपर कितनी स्पीड में चलाना है, एक तो स्लो होता है, एक मीडियम होता है, एक स्पीड होता है, तो हमें किस स्पीड में वाइपर को चलाना चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल से सब्सक्राइब करें, मेरे YouTube चैनल से जुड़े, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि हर एक वीडियोस आप तक पहुंचती जाए। पहले तो अभी मेरी स्टूडेंट आ जाएंगी, पहले तो मैं उनसे बात करूंगा, जानता हूं क्या नाम है, क्या कौन सा उनका ड्राइविंग सीखोगे, कैसा कंट्रोल है, कैसा कॉन्फिडेंस है। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमें बारिश टाइम में कैसे कार को चलाना चाहिए। कैसे पता चला कि आपको गेट नहीं बंद है मैम? जैसे कि आपने बंद किया और फिर से वो खोला, फिर से बंद किया, मुझे आवाज़ से लगा था कि बंद नहीं, बंद नहीं हुआ। गुड। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी जी, आप कहाँ से ड्राइविंग सीख के मेरे पास आते हो? मैं गोमती नगर से। गुड। आज आपका कौन सा डे ड्राइविंग सीखते हो मेरे साथ में? फोर्थ डे है आपको ड्राइविंग सीखते हो। गुड, ठीक है। अभी आपने फोर्थ डे में क्या क्या चीज़ें सीखा है? प्रॉपर हैंडल्स आ गया मेरे को स्टेबल करने के लिए, टर्व कर्व्स लेने आ गए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड गियर चलाना। आपके पास कौन सी कार है मैम? मेरे पास ऑल्टो है अभी रिसेंट से। हां, मतलब आपके घर पे कौन सी कार है? होंडा सिटी। होंडा सिटी कार है। गुड, ठीक है। तो अभी आपको कैसा कंट्रोल आपको लग रहा है अपना, कैसा कॉन्फिडेंस लग रहा है आपको चला करके? बेटर देन बिफोर। गुड, ठीक है। अभी जैसे कि आप मेरे साथ में चल रहे हो, मेरे साथ में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको मेरे साथ में कैसा लग रहा है? मैं कैसे चीजें आपको चीज़ें बताता हूँ, कैसे चीज़ें आपको बताते हैं कि क्लियरली समझ में आ जाता है। जब आप घर के किसी पर्सन से सीखते हैं तो मतलब थोड़ा डांट देते हैं, समझा देते हैं तो आप डर जाते हो। अब जब पोलाइटली कोई समझाता है तो आप इजीली उस चीज़ को कैप्चर कर लेते हो कि हाँ, हम मिस्टेक कर रहे हैं, और उस चीज़ को डर ना बिठा के उसको क्लियरली मतलब उसको इंक्रीज कर लेते हैं, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे करना है सॉल्व कर लेते हैं हम। गुड। आपने कैसे मेरे से संपर्क किया ड्राइविंग सीखने के लिए मैम? मैंने यूट्यूब से और फिर गूगल से नंबर सर्च किया था। गुड, ठीक है। तो हम लोग कार को चलाने के सबसे पहले क्या करते हैं मैम? सबसे पहले हम क्लच पर पैर रखते हैं अपना, ठीक है, और ब्रेक पर पैर रखते हैं, ठीक है, क्लच पूरा प्रेस करना है, ठीक है, गाड़ी ऑन करनी है, ठीक है, हल्का सा सीट को भी आगे करना है, आप आगे करो आराम से राउट खींच करके, ठीक है, हो गई आगे सीट आपकी, पूरा क्लच दबाना है और स्टार्ट करना है इंजन। हाँ, इंजन स्टार्ट करो, अभी फर्स्ट गियर लगाना है, पहले फर्स्ट गियर लगा लो, हैंड ब्रेक डालो, ऊपर उठाते हो स्विच दबाओ साथ में और फिर नीचे कर दो, नीचे कट। अब आपको बारिश टाइम है, आपको वाइपर पे चलाना है तो आपको स्लो में चलाना है। देखिए, तीन पॉइंट होते हैं, देखिए अभी तो ऑफ है ना, एक पॉइंट स्लो में चलेगा वाइपर, बंद हो जाएगा, फिर चार सेकंड बाद फिर से चलेगा, चार सेकंड या दो सेकंड बाद फिर चलेगा, एक बार होता मीडियम, एक हाई होता मैम, बहुत स्पीड में वाइपर आपका चलेगा,
ठीक है, फिर हाँ तेज़ बारिश की, जैसे बारिश होता है जैसे पानी आएगा, फिर एक बार इसको वापस बंद करेंगे मीडियम में चलना, फिर एक बार और बंद करेंगे शिलो में चलना, ठीक है, फिर इसको वापस बंद कर देंगे, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर आपने लगा लिया, अब चलना है, सामने आपकी कार भी खड़ी है होंडा सिटी, तो आपको पहले हल्का सा स्टीयरिंग लेफ्ट टर्न कर लो और टर्न कर लो, बस इतने में निकल जाएगी आपकी कार। अब हल्का हल्का क्लच छोड़ो मैम, छोड़ो हल्का का क्लच और लेफ्ट टर्न करो और टर्न करो, बस सीधा करो वापस। अब भी आपको तो शायद थोड़ा सा डर लगा होगा क्योंकि सामने आपकी कार भी थी, अगर किसी और की नहीं होती तो डर नहीं लगता, नहीं लगता। मतलब किसी दूसरे की कार खड़ी होगी तो उसको ठोक दोगे, हाँ डन कर लो, मतलब कि जब किसी दूसरे की कार खड़ी होती तो आप नहीं डरते, आपने कार खरीदी तो आपने डरा, अच्छा मतलब डरते हैं हर एक कार में ना, उसको बनाना चाहिए, ठीक है, अपनी हो या किसी दूसरे की हो। आगे से राइट, राइट का सिग्नल मार देना मैम, तो हम लोग एक स्लो में वाइपर को चला देंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस लेकर के फिर टर्न करेंगे, घुमाओ और घुमाओ आराम से, बस 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 बस, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, वापस सीधा करो, सीधा करो हल्का का, सीधा करो एक बार और, ये सीधा हो गया मैम। अब एक्सीलेट करो हल्का हल्का मैम, बढ़ाओ हल्का का स्पीड, आगे से हम राइट जाएंगे सर्विस लाइन रॉन्ग साइड, ठीक है, इनको डिपर दो, डिपर देने में आपको बता देना, दो दो गुड, बहुत बढ़िया आगे से हम लोग राइट जाएंगे, हाँ जी हॉर्न ब्रेक पा रखे मैम, हर एक टर्निंग पे ब्रेक पा, चलो घुमाओ राइट हल्का का और घुमाओ, बस ज़्यादा ब्रेक मत लगाना, और घुमाओ मैम, बस सीधा करो वापस और सीधा करो और सीधा करो और बस हो गया। अभी बढ़ाओ हल्का हल्का स्पीड और बढ़ाओ हल्का हल्का स्पीड, डिप कर दो गुड, ठीक है बढ़िया, डरा मत करो मैम, चलो बढ़ाओ हल्का हल्का स्पीड। अभी एक्सल छोड़ो मैम, क्लच दबाओ और सेकंड गियर लगा लो, छोड़ो मैम क्लच, आज हम लोग लंबा चलाएंगे 20 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है, राइट मिरर में देख करके, लेफ्ट मिरर में देख करके, दोनों साइड मिरर भी आपको देखना है, ठीक है। सामने से तो कोई कार आ रही है, गली से निकल रही ना, रिवर्स हो रही है, क्यूट है, उसको भी देख करके स्पीड हल्का का कम रख लेना, पहले से यहीं से हल्का का शुरू कर लो, ब्रेक लगा के बढ़ाओ हल्का का स्पीड, जाते रहो, ठीक है बढ़िया, बाइक को हॉर्न देते हुए स्टीयरिंग को बहुत ढीला कर देंगे, गुड आगे से हम लोग गोल चक्कर से सीधा शिव जाएंगे, जानेश्वर मिश्र पार्क की साइड, सिग्नल नहीं देंगे है ना, सिग्नल नहीं, सिग्नल नहीं, सिग्नल बंद करो, नहीं सिग्नल नहीं देंगे, ना राइट जाना ना लेफ्ट जाना है, बस सीधा शिव जाना, बस गोल चक्कर लेना है उनको देखते हुए मैम, चलो घुमाओ घुमाओ घुमाओ, बस सीधा करो वापस, रख देते हो इस रास्ते पर जाना, मैं रास्ता डाला ना जाने से साइड, बड़ा हॉल का बस डब्ल्यू आर वी जा रही ना होंडा की, वैसे जैसे ये वैगन आ जा रही है ओला वाली, जाओ बड़ा हॉल का आराम से देख कर, हाँ आराम से बड़ा, हम लोग सीधा स्ट्रेट जाएंगे, आगे थोड़ा सा पानी भरा होगा उसके बीच से निकालना है आपको, जब भी कभी जहाँ पे पानी भरा हो तो वहाँ पे स्लो में निकालते हैं ताकि आपके राइट लेफ्ट में अगर कोई खड़ा है तो उस पर पानी का छींटा ना जाए, हम राइट का सिग्नल देना है आपको, देखिए गुड, और लेफ्ट से गोल चक्कर लेकर के फिर हम लोग राइट टर्न करेंगे, ठीक है आराम से, गुड बहुत बढ़िया मस्त।
कल और परसों चलाने के बाद हम लोग अपनी कार चलाना स्टार्ट करेंगे। सीधा करो वापस हल्का का होंडा सिटी। मैम इतना क्यों घुमा दिया आपने? हाँ इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। गुड मैम तो सीधा करो वापस। ओके बढ़ाओ हल्का का स्पीड मैम, और बढ़ाओ हल्का का स्पीड। चलो और ध्यान दो हल्के का। अभी कौन से गियर पे कार को चला रहे हो आप? सेकेंड गियर चला रहे हो, ठीक है। गढ़ सीधा स्टे जाएंगे हम लोग और बढ़ाओ।